तक हो गया था। इंटीग्रल कैलकुलस वाली फंडामेंटल थ्योरम वो कई बार आई हुई है, लेते हैं इसमें। उससे पहले एक दो डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं। प्रिमिटिव फॉर, या फिर इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, पूर्वक। ए डिफरेंशिएबल फंक्शन फाई डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। डिफरेंशिएबल फंक्शन फाई डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट, इस तरह से आपको दिया हुआ है, इसका जो डेरिवेटिव है वो एफ के इक्वल है, सच दैट इट्स डेरिवेटिव, इसका जो डिफरेंशिएशन है डेरिवेटिव है, इट्स डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू, इट्स डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू ए गिवन फंक्शन एफ इज इक्वल्स टू ए गिवन फंक्शन एफ, और ये भी कहाँ डिफाइन है आपका, ए से भी क्लोज इंटरवल। तो ये जो फाई है ये कहलाएगा प्रिमिटिव, इज कॉल्ड प्रिमिटिव या फिर एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव इसका एफ का ऑफ एफ क्लोज इंटरवल। That is, इसका मतलब ये हुआ फाई डैश एक्स आपका क्या होगा, इक्वल्स टू एफ एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल। कहने का मतलब कुछ जो आपका इंटीग्रल होता है उसका जस्ट अपोजिट ऐसे। जैसे फाई का डेरिवेटिव कर रहे हो तो क्या आ रहा है आपका एफ आर, का क्या करोगे जब फाई आएगा, इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन को ही हम अपोजिट लिख लेते हैं डेरिवेटिव का कॉमन सेंस में, उसको एंटी डेरिवेटिव बोल देते हैं। तो बात एक तरह से वही तो हुई कि एफ का इंटीग्रेशन क्या आएगा, फाई आएगा, ये तो मतलब हुआ फाई का डेरिवेटिव एफ है तो एफ का इंटीग्रेशन क्या आएगा, फाई आएगा। इंटीग्रेशन कहूं या मैं ये कह दूं कि एंटी डेरिवेटिव, तो एफ का एंटी डेरिवेटिव क्या आएगा, फाई आएगा। तो वो तो लिखा हुआ है कि एफ का एंटी डेरिवेटिव फाई कहलाता है। पहली चीज फाई आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में, ठीक है, और इसका जो डेरिवेटिव है वो एफ के बराबर होना चाहिए। अब जो एंटी डेरिवेटिव है यानी कि इंटीगल है वो ए की आएगा क्या, यूनिक होना जरूरी है क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो पहले तो नोट डाल के लिख लेते हैं इस चीज को, प्लस सी आ जाता है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया, मान लो कि आपका एफ एक्स ले लिया मैंने 3x, ये आ गया, ठीक है। तो फाइव एक्स आपने ये ले लिया, एक तो एक्स क्यूब ले लिया, एक आपने फाइव एक्स मान लो ये ले लिया एक्स क्यूब प्लस टू, थ्री ले लो फोर ले लो, इसका डेरिवेटिव करोगे क्या आ जाएगा, थ्री एक्स आ जाएगा यानी एफ एक्स आ जाएगा। तो एफ का प्रिमिटिव फाइव हो गया आपका, इसको थ्री एक्स के। अब ठीक है, यहां पे फाइव डैश एक्स ये भी थ्री एक्स स्क्वायर यानी ये भी एफ एक्स आ रहा है, ठीक है। और भी हम कोई ले सकते हैं अपने पास, थ्री एक्स मान लो एक्स क्यूब आपने प्लस फोर ले लिया, प्लस सी आता है उसमें। तो एंटी डेरिवेटिव या ऐसे कहूं कि मैं प्रिमिटिव आपका यूनिक होना कोई जरूरी नहीं है वहां, ठीक है। तो बात समझ में आ गई किसको कह रहे हैं। ये हमने डेफिनेशन क्यों लिखी है, क्योंकि वो एग्जाम में आपको जो थ्योरम है उसमें वो प्रिमिटिव वर्ड यूज कर लेता है कई बार,
हो सकता है वो सिंपली ये भी लिख दे कि फाइ आपका कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एफ इस तरह से इनके बीच रिलेशन है कि फाइ डैश एक्स बराबर आपका एफ एक्स है फॉर ऑल एक्स, तो फिर वो प्रिमिटिव नहीं लिखेगा, बात वही है। ठीक है, ये दोनों चीजें नोट डाल के इसमें एक चीज और लिख लेंगे, नोट दैट द प्रिमिटिव ऑफ ए फंक्शन इज नॉट यूनिक, द प्रिमिटिव ऑफ ए फंक्शन इज नॉट यूनिक, कि जो कोई फलन है उसका पूर्वग आपका यूनिक यानी कि अद्वितीय होना कोई आवश्यक नहीं है, तो होता ही नहीं है। फॉर इफ फाई इज प्रिमिटिव ऑफ एफ, कि मान लो आपका फाई एफ का प्रिमिटिव है तो फाई प्लस सी भी तो इसका प्रिमिटिव होगा, और इफ फाई इज प्रिमिटिव ऑफ एफ देन सो इज फाई प्लस सी, फाई प्लस सी वो भी तो क्या होगा प्रिमिटिव होगा, देन सो इज फाई प्लस सी वेयर, जहां पे सी क्या होता है आपका, सी इज एनी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, तो आर्बिट्रेरी तो आप कितने भी ले सकते हो, यानी बहुत सारे अपने पास क्या हो जाएंगे प्रिमिटिव हो जाएंगे। मान लो यहाँ पे आपने एक्स क्यू प्लस टू लिख लिया था, एक्स क्यू प्लस थ्री लिख लेते, एक्स क्यू प्लस फोर लिख लेते, हर एक केस में आपके पास क्या आता, फाइव डैश एक्स थ्री एक्स स्क्वायर आता। नीचे फिर एग्जाम्पल लिख लेंगे, फॉर एग्जाम्पल में किसी को कोई डाउट, प्रिमिटिव क्या होता है ये समझ में आ गया, पूर्वक जनरल सेंस में आपका जो है डेरिवेटिव का अपोजिट, मतलब ये हम कह सकते हैं। इसी में एक थ्योरम हमारे और काम आएगी, जो अभी हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, है ना, उसमें हमारे पास एक थ्योरम का स्टेटमेंट और काम में आएगा, कौन सी, एलएमवीटी, लांगराज मीन वैल्यू थ्योरम। ये आई थी शायद पहले अपने, नहीं आई थी, आई होगी कहीं ना कहीं, उसका स्टेटमेंट लिखवा देता हूं ताकि वो ध्यान आ जाए आपको। क्लोज इंटरवल एबी में कंटिन्यूस, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल, तो बीच में एक पॉइंट सी मिलेगा जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, वो वाली। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, एलएमवीटी लिखी हुई भी आ जाती है कई बार, इसका सिर्फ स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं मैं। If a function f is number one continuous in closed interval AB, संवर्त अंतराल AB में क्या है continuous, continuous in closed interval AB। number two डिफरेंशियबल एंड डिफरेंशियबल इन अवकलनीय इन ओपन इंटरवल एपी, इन ओपन इंटरवल देन हमें एटलीस्ट वन पॉइंट, एक से ज्यादा भी मिल सकता है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट, कहां मिलेगा, सी ओपन इंटरवल ए बी में, याद है, सच दैट, और किस तरह से मिलेगा, क्या था, एफ एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस,
ये जो चीज है ये हम काम में लेंगे इसमें एग्जैक्ट। कोई दिक्कत इसमें? एक हम काम में लेंगे इसमें सेकंड जो आपकी डेफिनेशन थी रीमान इंटीग्रल की जो कल मैंने बताई थी वो वाली, तो वो तो ध्यान है अपने पास कि नॉर्म पी टेंड्स टू जीरो, उस केस में अपने पास क्या हो जाएगा नॉर्म पी टेंड्स टू जीरो, या ऐसे कहते हैं कि एन टेंड्स टू इंफिनिटी, बात वही थी। उस केस में समीशन आर इक्वल टू वन टू एन एफ ओफ एक्स आई आर और इंटू डेल आर लिख दो या एक्स आर माइनस वन। वहां पे क्या था अपने पास कि ये वैल्यू जो है एग्जिस्ट करनी चाहिए, और यही वैल्यू एक तरह से अगर एग्जिस्ट करेगी और डिपेंडेंट नहीं होगी किसके कि हम कौन सा तो इंटरवल ले रहे हैं, सब इंटरवल जो ए से बी मान लो है तो उसका कौन सा सब इंटरवल ले रहे हैं और उस सब इंटरवल में से भी कौन सा पॉइंट ले रहे हैं, उस चीज से क्या है वो इंडिपेंडेंट है और वो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो वो ही वैल्यू आपकी क्या कहलाएगी उस फंक्शन का रीमान इंटीग्रल कहलाएगी जो कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स आपका होता था। बात समझ में आ गई? तो वो चीज यहाँ पे हम एक काम में लेंगे इस थ्योरम में। अब इसमें लिखेंगे नेक्स्ट आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। अच्छा अब इसमें भी तीन चार थ्योरम है वैसे तो एक्चुअल में, अब कई सारी अब आपकी बुक में तो एक ही है तो डाउट ही नहीं है, यहाँ पे सोचना ही नहीं है ना, यही करके आनी है क्योंकि एग्जाम आ रही हो का देना है आपको, सोचना ही नहीं इसमें। बाकी आप अदर कई सारी बुक्स में, अभी एक दूसरी बुक देख रहा था वहां पे तीन चार थ्योरम दी हुई थी, तो कई सारे जो अपने पास ऑथर है वो फर्स्ट मतलब दो थ्योरम है उनको तो फर्स्ट थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम मतलब फर्स्ट बोल देते हैं और बाकी दो को सेकंड बोल देते हैं, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, और एक एक दो को बोल देते हैं फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। आपके कोई झंझट है ही नहीं, एक ही थ्योरम दे रखी है तो आपको तो यही सोचना है, ज्यादा ध्यान देना नहीं उसमें, ठीक है वो बाद की बात है। फिर फंडामेंटल थ्योरम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस समाकलन गणित की मूलभूत प्रमेय। समाकलन गणित का मूल प्रमेय या मूलभूत, काफी इंपोर्टेंट थ्योरम है अपने जो राजस्थान वाले तो मोस्टली मोस्टली यूनिवर्सिटी वाले आती रहती है कहीं ना कहीं, ठीक है मतलब एक साल छोड़ के एक साल तो रिपीट हो ही जाती है, कई बार दोनों बार भी रेगुलर भी दे देता है। क्या दे रखा है? इफ इज रिमान इंटीग्रेबल ओवर क्लोज इंटरवल, फंक्शन आपका रिमान इंटीग्रेबल दिया हुआ है क्लोज इंटरवल ए बी में, इफ देर एग्जिस्ट ए प्रिमिटिव फंक्शन, प्रिमिटिव फंक्शन फाई ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। अच्छा इसने ये लिखना भूल गया है कि फाई किसका प्रिमिटिव है, एफ का ही, तो अंडरस्टूड है वो चीज यहाँ पे हिंदी वाले में लिखा हुआ है कि फलन एफ का पूर्वक है ना, तो चाहो तो इसको लिख सकते देयर एग्जिस्ट ए प्रिमिटिव फंक्शन फाई ऑफ एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ऐसे लिख सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं हो तो एक ही बात है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी देन ए से बी एफ एक्स डी एक्स, जो आप मतलब इसका रिमान इंटीग्रेशन आएगा वो आपका क्या आएगा फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए, फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ, क्योंकि प्रिमिटिव फंक्शन दिया हुआ है तो प्रिमिटिव फंक्शन में हमने अभी अभी पढ़ा था कि इसका जो डेरिवेटिव जो प्रिमिटिव फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव एक्चुअल में क्या आ जाएगा, इसका आप प्रिमिटिव कह रहे हो, ये तो मतलब हुआ कि फाई का डिफरेंशिएशन एफ है तो एफ का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, फाई हो जाएगा, ये तो कह रहा है कि फाई जो है एंटी डेरिवेटिव है किसका, एफ का, फाई एफ का एंटी डेरिवेटिव है मतलब फाई का डेरिवेटिव एफ है, बात एक ही है,
ठीक है, ये रिजल्ट यहाँ से अपने पास निकल के आएगा। अब इस थ्योरम को मैं देख रहा था यहाँ पे, थोड़ा सा इसको आगे पीछे करके लिखा हुआ है, तो इसको हम ये कर सकते हैं, या तो आप अपने बुक की तरह जैसे लिखी हुई है ऐसे ही करवा देता हूं मैं, या मैंने दूसरा एक तरीके से इसको किया था। उसी से कर लो ज्यादा सही रहेगा। लिखो तो पहले तो आपको क्या दिया हुआ है, ये जो चीजें दी हुई हैं ये हम काम में ले लेते हैं इसकी। आपकी बुक की तरह से भी कर सकते हैं, दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। मैं दूसरे से करवा देता हूँ, आपकी बुक वाला आप देख लेना, वैसे एक बार रिवाइज कर लेना, वैसे देखना तो वो तो सेम ही है, ज्यादा कोई फर्क है नहीं। ठीक है, लिखो कंसीडर एनी पार्टीशन, मैं पार्टीशन कंसीडर कर देता हूँ। क्या करेंगे पार्टीशन बताना, बी आपका इसको तो एक्स नोट एक्स आर से एक्स आर, ये बीच में दो पॉइंट और लिख देते हैं, और ये आपका एक्स एन इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए बी का है, ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, ऑफ क्लोज इंटरवल, और मैं साथ के साथ ये इस तरह का मान लेता हूं कि इसमें नॉर्म पी आपका क्या आ जाए, लेस देन डेल्टा आ जाए। ऐसा पॉसिबल है क्या? क्यों? क्योंकि फंक्शन आपका रिमान इंटीग्रेबल दिया हुआ, उसने रिमान इंटीग्रेबल है, इसका मतलब हमें एक पार्टीशन पी मिले, कोई भी एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो अगर मैं लेता हूं उसके लिए मुझे एक आपका जो है एक पार्टीशन पी मिलेगा फैमिली ऑफ पार्टीशन वाले में, जिसके लिए नॉर्म पी लेस देन डेल्टा होगा और वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, आपकी फर्स्ट कंडीशन कह लो या तो फर्स्ट डेफिनेशन वाली कह लो या फिर सेकंड डेफिनेशन वाली जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो वो तो लास्ट में यूज कर लेंगे, अभी तो ऐसे रहना तो ठीक है। ये हो गया, आप लिखेंगे इसमें फाई आपका क्या दिया हुआ है, डिफरेंशिएबल प्रिमिटिव दिया हुआ है ना, तो प्रिमिटिव की डेफिनेशन में मैंने फर्स्ट लाइन ये लिखवाई थी सिंस, तो पहले तो ये लिख लो फाई इज प्रिमिटिव ऑफ एफ, प्रिमिटिव फंक्शन ऑफ एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए, ये दिया हुआ, दैट इज पाई इज डिफरेंशिएबल, प्रिमिटिव है तो प्रिमिटिव की डेफिनेशन ये तो होगी फाई डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स, मतलब डेरिवेटिव तो डिफरेंशिएबल तो होना ही चाहिए फंक्शन, दैट इज फाई इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। अगर ये पूरे क्लोज इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है, तो फिर बीच में जो आरएथ इंटरवल है, आरएथ सब इंटरवल है, आरएथ उप अंतराल है आपका ये वाला एक्स आर से एक्स आर माइनस वन वाला जो है, सॉरी एक्स आर माइनस वन से एक्स आर वाला, उसमें भी क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल होगा, दिस इंप्लाइज पाई इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल इन आरएथ सब इंटरवल, दैट इज कौन सा एक्स आर माइनस वन से, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस सोचने की जरूरत है नहीं, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कंटिन्यूअस है डिफरेंशिएबल है, तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, हमें एक पॉइंट मिलेगा इसके बीच में कहीं जो भी इंटरवल है, ठीक है, तो मैं मान लेता हूं एक्साई आर जो हम पहले मानते थे वही मान लेते हैं, देन या हेंस बाय मीन वैल्यू थ्योरम या लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एक ही बात है,
ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ये थ्योरम क्या कहती है? देयर एग्जिस्ट, हमें एक पॉइंट मान लिया मैंने एक्स आई आर मिलेगा कहां पर, एक्स आर माइनस वन से एक्स आर में, सच दैट, और किस तरह से मिलेगा कि इस पॉइंट पर जब मैं फंक्शन का डेरिवेटिव निकालूंगा, तो डेरिवेटिव क्या है, फाइ, सॉरी, इस पॉइंट पर जब मैं फंक्शन का डेरिवेटिव निकालूंगा फाइ डैश एक्स आई आर, तो वो क्या आएगा अपने पास, फाइ ऑफ का इंटरवल एक्स आर माइनस फाइ ऑफ एक्स आर माइनस वन, ये तो था फाइ ऑफ बी माइनस फाइ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, एक्स आर माइनस, इसको इधर मल्टीप्लाई करवा दो, एक्स आर माइनस बराबर ये हो जाएगा आपका फाइ ऑफ एक्स आर माइनस फाइ ऑफ एक्स आर माइनस, अब देखो जो हमें लेकर आना है वो क्या है अपने पास, आपको इधर क्या लेके आना है, a से b f x dx, a से b f x dx, ये बराबर कब हो सकते हैं, a से b f x dx किसके बराबर था, देखो ध्यान दो, summation r equals to 1 to n f of f dash, अपने पास f of x आर, तो इसको तो f of x आर लिख लेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्यों, y dash x बराबर f x ही तो है, तो इसको तो f of x आर लिख लेंगे, into del r x r minus 1, ये वैल्यू तो इधर तो आ जाएगी, दूसरी तरफ क्या था अपने पास, फाइ ऑफ बी माइनस फाइ ऑफ ए, जो प्रूफ करना है उसमें, ठीक है, तो वो चीज क्या कब होगी, जब मुझे क्या लगाऊं, मैं यहाँ पे समीकरण आर इक्वल टू वन टू एन लगा देता हूँ दोनों तरफ, ठीक है, तो ये अपने, हाँ, समीकरण आर इक्वल टू वन टू एन मैंने लगा दिया, फाइ डैश एक्स आई आर और एक्स आर माइनस वन इक्वल्स टू, इधर भी अप्लाई कर दो, समीकरण आर इक्वल टू वन टू एन phi of x r minus phi of x r minus 1, इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या आएगा देखना, पहला तो phi of x1 minus phi of x0, इसको जब सोल्व करेंगे, ठीक है, 1 रखा पहले तो मैंने, फिर 2 रखा तो क्या आएगा, phi of x2 minus phi of x1, एंड सो ऑन, जब n रखूंगा तो phi of xn minus phi of xn minus, कौन कौन से बचेंगे, इतनी बार कर चुके हैं, एक तो ये बचेगा minus of phi x not और एक वो बचेगा phi of xn, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास phi of xn minus phi of x not, जो कि क्या होता है, फाइ ऑफ बी माइनस ए हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, तो एक साइड का तो हो गया अपने पास, इक्वल्स टू फाइ ऑफ बी माइनस फाइ ऑफ, तो अपने पास ये आ गया, समीशन r इक्वल्स टू 1 टू n y डैश एक्स आई आर एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस 1 इक्वल्स टू y ऑफ b माइनस y ऑफ, अब दूसरी साइड वाला वैसे सीधा सीधा देखा जाए तो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, तो उस केस में दोनों बराबर होते ही हैं, ठीक है, एक तो हम यहां से डायरेक्टली लिख सकते हैं, अब आपकी बुक में जो सेकंड डेफिनेशन है उसमें क्या लिखा हुआ था, दिस माइनस ए से बी एफ एक्स डी एक्स मोड लेस देन एप्साइलन, इस तरह से चीजें लिखी हुई थी,
तो वैसे कर सकते हो या डायरेक्टली इस चीज को कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या करें एंड, हमने स्टार्टिंग में मैंने ये लिखवाया था कि फाइव इज प्रिमिटिव, इसमें प्रूफ में प्रिमिटिव की चीजें नहीं दी, प्रूफ में फाइव डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स ये वर्ड थोड़ी लिखवाया, तो यहां लिख लो एंड बिकॉज फाइव इज प्रिमिटिव ऑफ एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ये दी लिख वर्क है, और फिर वो फाइव डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स कोई नहीं दोबारा लिख लो, एंड सिंस फाइव इज प्रिमिटिव ऑफ एफ ऑन ए, सो फाइव डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका एफ एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, तो एक्स आई आर भी तो इसी इंटरवल में आएगा, एक्स आई आर जो पॉइंट है वो भी इसी इंटरवल में कहीं ना कहीं है, इसके ही तो आ रहे थे इंटरवल में है, तो इसकी जगह भी मैं क्या लिख सकता हूं एफ ऑफ एक्स आई आर, सो समीशन आर इक्वल टू वन टू एन, तो ये इसको या तो ये लिख लो वन, सो फ्रॉम वन, ये हो गया अपने पास एफ ऑफ एक्स आई आर और एक्स आर माइनस वन इक्वल टू फाइ ऑफ बी माइनस फाइ ऑफ, साथ में ये भी दे रखा है एंड ऑल्सो गिवन दैट इसको कुछ इक्वेशन नंबर टू नाम दे। अब आपको सिर्फ यहां तक तो हो ही गया, अब आपको सिर्फ ये दिखाना कि ये आपका ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, वो तो होगा ही क्योंकि सेकंड डेफिनेशन यही तो थी रीमान इंटीग्रेशन की, सेकंड वाली डेफिनेशन ये तो थी r1 to n f of x i r xr minus xr minus 1 minus a से b f x dx mod less than epsilon, epsilon तो आपके पास अपनी चॉइस का था, आर्बिट्रेरी था, उसको तो आप जीरो की तरफ टेंड करवा सकते हो, कैसे norm p को जीरो की तरफ टेंड करवा दोगे तो वहां से अपने पास यानी n को इन्फिनिटी की तरफ करवा दोगे तो epsilon को तो जी आप अपनी तरफ अपनी इच्छा से कुछ भी ले सकते हो, तो नियरली जीरो आप ले गए, नियरली जीरो ले गए तो वो दोनों जो मोड के अंदर जो दोनों वैल्यूज थी वो दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगे अपने पास, तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ ए से बी एफ एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ, बात ये तो हुई ये वैल्यू ओवरऑल किधर चली जाएगी ए से बी एफ एक्स डी एक्स, कोई डाउट नहीं है इसमें, लिख लेंगे इसको एंड ऑल्सो गिवन दैट एफ इज रिमान इंटीग्रेबल ओवर क्लोज इंटरवेल ए बी, ये आपको दिया हुआ है, then by second definition of Riemann integral we can say that उससे हम क्या कह सकते हैं, उससे मैं ये कह सकता हूं we can say that कि जो summation r equals to 1 to n f of x i r xr एक्स आर माइनस वन ये किधर टेंड करेगा, टेंड टू किस तरफ टेंड करेगा ये वैल्यू ए से बी एफ एक्स डी एक्स की तरफ, कब एज नॉर्म पी लेस देन डेल्टा, नॉर्म पी लेस देन या सॉरी नॉर्म पी को जीरो की तरफ ले जाओ, टेंड्स टू जीरो norm of p tends to 0, मैंने इस हिसाब से करवाई कि आपने जो पहले जो चीजें पढ़ी हैं सेम उन्हीं की हेल्प से डायरेक्ट इसको चीज को लिख लें,
बुक में लिखा हुआ वो भी गलत नहीं, वो भी सही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी लिख सकते हो. हेंस फ्रॉम वन, सॉरी फ्रॉम टू, तो टू से फिर क्या लिख सकते हैं, ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ, ये प्रूफ करना था. ये रिजल्ट ऐसे भी लिख सकते हो आप, और दिस रिजल्ट इज यूजुअली रिटन इन द फॉर्म, इस तरह से भी आपको मिल जाएगा, ए से बी फाई डैश एक्स डी एक्स, एफ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, फाई डैश एक्स प्रिमिटिव है ना, ये तो डेफिनेशन थी, इक्वल्स टू फाई ऑफ बी माइनस फाइव, मतलब पूरा अगर फाइव की टर्म्स में इसको लिखना चाहूं ये भी लिख सकते हैं, या ये तो आपका जो प्रूफ है वो है ही. ठीक है, तो आपके बुक में पहले ये आता है फिर वो उसको ये लिखता है, लिख सकता है फाइव डैश एक्स प्रिमिटिव तो है. ठीक है, अब जो बुक वाला है वो एक बार देख लो उसको, थोड़ा अगर किसी के मूड में हो हिंदी या इंग्लिश वाले तो वो लिखना चाहो तो वो भी, कई बार सारे बच्चे हिंदी के भी रहते हैं. देखो पहले इसने कहा कि फाई आपका पूर्वक दिया हुआ है, प्रिमिटिव दिया हुआ है. ठीक है, प्रिमिटिव है तो इसने कहा कि फाई डैश एक्स बराबर होगा आपका एफ एक्स के, कोई भी मैं एक्स लेता हूं क्लोज इंटरवल ए बी से, पहली चीज. ठीक है, यहां से ये फाई डैश एक्स, तो फाई डैश एक्स आपका रिमान इंटीग्रेबल होगा, दिस इंप्लाइज. अब आप कहोगे सर ये कहां से रिमान इंटीग्रेबल आ गया, आपको तो ये दिया हुआ ना एफ रिमान इंटीग्रेबल, ये समझ में आया स्टेप, एफ रिमान इंटीग्रेबल दिया हुआ था क्लोज इंटरवल ए बी में, तो एफ को ही तो क्या लिख रहा है वो फाई डैश एक्स प्रिमिटिव है ना, तो ये रिमान इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल ए बी में, ये कह दिया उसने, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. अब बात आती है फाई डैश एक्स पे, फाई डैश एक्स को फिर उसने कहा कि अगर ये इसका रिमान इंटीग्रेबल है, कौन सा फाइव डे सेक्स, अब हम एफ को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं इस जो आपकी सेकंड फॉर्म है इसमें पूरी में एफ को वो लास्ट तक भूल जाता है, लास्ट में जब ये कंडीशन प्रूफ हो जाएगी तब वो क्या करेगा, फाइव डे सेक्स को वापिस से एफ रख देगा, जो कि रख सकता है प्रिमिटिव की हेल्प से, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं. तो अब उसने यहां तक काम ले लिया, अब वो एफ को भूल गया थोड़ी देर, अब सारी बात करेंगे फाइव के ऊपर. अब फाइव आपका क्या है, फाइव डे आपका रिमान इंटीग्रेबल है. अब फाइव डैश अगर रिमान इंटीग्रेबल है तो उससे सेकंड डेफिनेशन से मैं क्या कह सकता हूं कि कोई भी मैं एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो लूंगा उसके लिए मुझे एक डेल्टा मिलेगा, लेस देन सॉरी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो मिलेगा सच दैट, और किस तरह से मिलेगा कि नॉर्म पी लेस देन डेल्टा मैं लूंगा तो मुझे एक पार्टीशन ऐसा पी जरूर मिलेगा कि जिसमें नॉर्म पी लेस देन डेल्टा हो, और वो पार्टीशन आपका कुछ भी जैसे पी हमने वो ही लेते हैं ना एक्स नोट एक्स वन, वो पार्टीशन ले लिया कि मुझे एक पार्टीशन ऐसा मिलेगा, और किस तरह का मिलेगा पार्टीशन कि वहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मोड ऑफ समीशन आर इक्वल्स टू वन टू एन क्या थी फाइव डैश. अब यहां पे फाइव डैश है, ध्यान रखना सारा खेल किसमें चल रहा है, वहां जो आपने डेफिनेशन पढ़ी थी सेकेंड डेफिनेशन वो एफ की पढ़ी थी, एफ आपका रिमान इंटीग्रेबल है, यहां पर सारी चीजें किसमें पढ़ी हमने, क्योंकि फाइव डैश लेके चल रहे हैं ना, तो सारी बातें किस पे होंगी, फाइव डैश पे होंगी. फाइव डैश एक्स आई एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस वन माइनस ए से बी, यहां पे किसकी बात आएगी, यहां क्या था एफ एक्स डी एक्स, तो यहां पे एफ एक्स डी एक्स नहीं आएगा, यहां पे फाइव डैश एक्स डी एक्स, क्योंकि सारी चीजें चल तो किसमें रही है फाइव डैश एक्स में, लेस देन एप्सिलॉन होगा, सेकंड डेफिनेशन से ये चीज लिखी है उसने. ठीक है कि फाइव डैश एक्स एक्स आई आर एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस वन ए से बी एफ एक्स डी एक्स, और ये फाइव डैश एक्स, और इसने डी एक्स नहीं लिखा यहां पे, तो हिंदी वाले बच्चे अगर कोई लिखे तो ये dx लिख लेना, उसने मिसप्रिंट हो गया होगा ये यहाँ पे, क्योंकि a से b fx dx था ये अपने पास, तो phi dash x ही अपने पास हो गया, ये less than epsilon होगा, जहां पर xi r कहां का पॉइंट होगा, ये वाला जो पॉइंट है ये xr माइनस वन से xr का पॉइंट होगा, ये चीज हमने लास्ट में यूज में ली है, उसने ये चीज पहले यहां पे काम में ले ली क्योंकि वो पूरा phi dash x पे काम कर रहा है. ठीक है, अब वापिस से आ जाता है कि फाई आपका क्या है, डिफरेंशिएबल है क्लोज इंटरवल ए बी में,
क्लोज इंटरवल ए बी में है तो उसके जो बीच में कोई भी आप सब इंटरवल लेते हो उसमें भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो इसने कहा कि एक्स आर माइनस वन से एक्स आर माइनस सॉरी एक्स आर में भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अगर उसमें डिफरेंशिएबल है तो मुझे पॉइंट मिलेगा जहां पर देर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, क्या मिलेगा, एटलीस्ट वन पॉइंट मिलेगा जहां पर क्या होगा आपकी लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम वाली जो कंडीशन है वो अप्लाई होगी। तो इसने सेम पॉइंट नहीं लिया, इसने कहा कि वो पॉइंट है एक्साइडेस, एक्साइडेस आर। अब यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कई सारे बच्चे, ठीक है, कि सर यहां कहीं एक्साइडेस एक्साई आर लिखा हुआ है, कहीं एक्साइडेस आर लिखा हुआ है, इसलिए मैंने वो दूसरा वाला लिखवा दिया आपको, है ना, कोई बात नहीं। अब इसने कहा कि इस वैल्यू पर आपका लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। ये पॉइंट कहां का है, ये भी यहीं का है, इसी इंटरवल का, ठीक है, मान लेते हैं। तो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से इसको क्या लिखेंगे फिर, फाई डैश दिस पॉइंट, फाई पर बात चल रही है ना, क्या होगा फाई डैश सॉरी फाई ऑफ एक्स आर माइनस फाई ऑफ एक्स आर माइनस वन अपॉन एक्स आर माइनस एक्स, सारी चीजें सेम है, बाकी यहां एक फर्क आ गया, बस ये पॉइंट दूसरा आ गया। अब क्योंकि आपने सेकंड डेफिनेशन में ये चीज क्लियरली कही थी कि ये जो पॉइंट है, आप पहली चीज तो कोई भी इंटरवल ले सकते हो और कोई भी पॉइंट ले सकते हो, तो इसने बाद में एक लाइन और ऐड कर दी कि जब मैं कोई भी पॉइंट ले सकता हूं तो मैं यही पॉइंट ले लेता हूं, एक्साई आर को इसी के बराबर ही ले लेता हूं, है तो उसी इंटरवल का, इंटरवल से बाहर हो तब बात नहीं कर सकते, बट उसी इंटरवल का है तो मैं कोई भी ले सकता हूं, तो मैं एक्साई आर को क्यों ना एक्साई डैश आर ले लूं, सेम ही पॉइंट, तो दोनों चीजें फिर मैच हो गई। तो यहां आके इसने दोनों चीजों को फिर मैच करवा दिया आपकी बुक में। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि चूंकि फाई आउकलन के ये जो लिख दिया इसने एक्स जो भी है, और ये वैल्यू तो वो बनी जाएगी फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए, वो तो समीशन अप्लाई करके है ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसने कहा कि जो फाइव डैश एक्साई डैश आर था उसकी जगह इसने लिख दिया फाइव ऑफ एक्साई आर, ठीक है, और उस वैल्यू की जगह फाइव डैश एक्साई आर ये जो वैल्यू थी उसकी जगह लिख दिया इसने फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए, और फिर इसने वो फर्स्ट जो कंडीशन है ये काम में ले ली ये वाली। तो ये वैल्यू तो आपकी आ गई फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए माइनस दिस लेस देन एप्साइलन। अब क्योंकि एप्साइलन आपका क्या है, आर्बिट्रेरी है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं फिर, धनात्मक है और अपनी स्वेच्छा से ले सकते हैं, तो इसको फिर जीरो करवा दिया हमने। तो दिस माइनस ये जो वैल्यू थी ये आपकी इक्वल्स टू जीरो, यानी फिर फाइव डैश एक्स डी एक्स ए से बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, देखो यहां पर इसने डी एक्स लिख भी दिया है ना, तो ऊपर भी डी एक्स आएगा इक्वल्स टू फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए, उस तरफ ले जाओ ये जो नेगेटिव ये जो टर्म थी इसको उस तरफ ले जाओ, तो क्या आ जाएगा अपने पास ए से बी। अब लास्ट में क्या करेगा वो फाइव डैश एक्स को एफ एक्स रख देगा, जो आपका प्रूफ है वो जाएगा, ठीक है, ये है अपने पास। तो ये आपकी इंटीग्रल कैलकुलस वाली जो थ्योरम थी वो थी, और ये यूनिट इसमें कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद इसकी नहीं नहीं इसके बाद जो ये क्वेश्चंस वगैरह हैं वो ना तो आपके सिलेबस में है ना कोई आया हुआ है ना ज्यादा, उसमें वो अलग थ्योरम है, फिर वो मीन वैल्यू थ्योरम्स है, यहाँ तक आराम से आपका हो जाता है, मैंने वैसे सफिशिएंट करवा दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसमें कोई डाउट। तो दोनों तरीके से चाहो तो आप बुक वाली जो है वो भी कंसिडर कर सकते हो, ऐसे लिखो तो ऐसे भी लिख दो, गलत कोई नहीं, ठीक है, बाकी कल से यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस वाला हो जाएगा।